मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ये साइड में है, इसके बाजू में जो है DFC कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई से दिल्ली के लिए इंडियन रेलवे के लिए डबल डेकर ट्रेन चलाने के लिए इसको पूरा बनाया जा रहा है 1580 किलोमीटर के लिए। फिलहाल इसमें नर्मदा के ऊपर ब्रिज बन रहा है भरूच में, इसका अपडेट मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ कितना इसका वर्क हुआ है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से अंदर के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरे से यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई से दिल्ली के लिए DDC कॉरिडोर जो बन रहा है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का लाइव अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। भरूच में जो ब्रिज बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना रहा है उसके ऊपर मैं आपको लाइव अपडेट आज का बताने वाला हूँ। अब मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हो, यहाँ तक जो है ब्रिज पूरा कम्प्लीट हो चुका है। स्टील ब्रिज बनाया जा रहा है इसके ऊपर, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा लाइव अपडेट में यहाँ से बता रहा हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी इंडिया की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की। तो फिलहाल मैं आज आपको बता रहा हूँ भरूच में जो DFC कॉरिडोर का लाइव अपडेट, नर्मदा नदी के ऊपर का दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू यहाँ का। चलिए, ये जो है DDC कॉरिडोर आप देख रहे हो, स्टील ब्रिज पूरा नर्मदा के ऊपर बन रहा है। आप देख सकते हो ये ब्रिज, स्टील ब्रिज पूरा नर्मदा के ऊपर बनकर कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अंदर, जो नर्मदा के अंदर से जो ब्रिज बन रहा है पूरा आपको बताता हूँ कितना वर्क इसका हो रहा है। फाइनली मैं अभी नर्मदा ब्रिज के पास आया हूँ। देखो यहाँ पर जो है काम चल रहा है, अंदर से लगभग रेत या कुछ निकाला जा रहा है, मशीन चल रही है, क्रेन मशीन। यहाँ तक जो है बनकर कंप्लीट हो चुका है, बट अभी इसका कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा है। यह पिलर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, छोटा सा एक रास्ता बनाया गया आप देख सकते हो इसे जाने के लिए। तो उसको फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्रेन मशीन जो है अंदर से रेत निकाल रही है, शायद अंदर जो है पिलर भरा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये पिलर भरा जा रहा है। आपको लाइव रिपोर्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, नर्मदा ब्रिज के ऊपर DDC कॉरिडोर का, मुंबई से दिल्ली के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाइव अपडेट। इतनी सारी क्रेन मशीन लगी हुई है पूरा बनाने के लिए, आप देख सकते हो इसके अंदर से कुछ निकाला जा रहा है, शायद मशीन जो है कुछ निकाल रही है इसके अंदर से। इसके बाजू में जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो है ब्रिज है पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का पूरा ब्रिज बनकर कंप्लीट हो चुका है, खाली 5% जो इसका काम बाकी है पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाजू में जो है DDC कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाजू वाली साइड में जो है बुलेट ट्रेन का भी वर्क जारी है, बट उसका थोड़ा सा काम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, उसका वीडियो मैं आके बनाने वाला हूँ आगे से आपके लिए। फिलहाल मैं आपको DFC कॉरिडोर का व्यूज बता रहा हूँ। उस वाली साइड से आप देख सकते हो वहाँ पर भी पिलर बनने का काम चल रहा है, सब काम जहाँ से ही होता है। देख सकते हो कुछ निकाला जा रहा है इसमें से। Yeah.
अंदर से जो है मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, रेत निकालने का। रेत निकाल के इसके अंदर डाला जा रहा है। जो आप देख रहे हो ये पिलर भरा जा रहा है, इसमें इसके अंदर डाला जाएगा। इसमें से रेत निकाल के इसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हो और जो काम वगैरह हो रहा है ये है। फाइनली आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बताया नर्मदा ब्रिज के ऊपर, नर्मदा के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है DTC कॉरिडोर का, आपको पूरा अपडेट मैंने यहाँ का दिया है, न्यू अपडेट। इसके बाद भी आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे जैसे इसका काम होता रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इंडिया में जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट चलती है उसके सारी अपडेट, न्यू अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।